लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंकों से, ये लोग खुद उड़ गया, हम लोगों का नेता उड़ने वाले नहीं। बिहार में नीतीश मैं है और आदरणीय नीतीश कुमार जी की वजह से सारा लोग एक तरफ से लोग आ रहे। अभी तो झांकी है, कल तो पूरा सिनेमा बाकी है। तो कैलाश चौधरी तो चैलेंज किए हैं, अब वो ऐसे ही करते रहेंगे, उनका करने का आदत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने के लिए होड़ मची हुई है। देखिए बिरचन पटेल पथ में है और एक तरफ जेडीयू का कार्यक्रम होना है तो दूसरे तरफ बीजेपी के पोस्टर और बैनर लग रहे हैं। देखिए नीचे देखिए तस्वीरें किस तरीके से, नीतीश के ठीक नाक के नीचे जेडीयू ऑफिस के ठीक सामने सड़कों पर पोस्टर लगाकर यह चैलेंज किया जा रहा है। नीतीश को बताया जा रहा है कि अगर आपने मिलर स्कूल नहीं दिया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी मनाएंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। और देखिए स्थान मिलर हाई स्कूल ग्राउंड यहाँ भी लिखा हुआ है और मिलर ग्राउंड में जेडीयू के कार्यकर्ता आज विश्राम करेंगे। देखिए ये पोस्टर नीतीश कुमार की और नीचे देखिए ये पोस्टर बीजेपी की, यानी नीतीश के सामने ही बीजेपी ने चुनौती दे दिया है। यह चेतावनी है या ऐलान है, सम्राट ने कह दिया है कि नीतीश के सामने ही हम भी मनाएंगे कर्पूरी जयंती। हिम्मत है तो रोक लो, मैदान भले नहीं दिए तो क्या हुआ, हमारे हौसले नहीं रोके जाएंगे। और देखिए यही ये अंजाम की तस्वीर है, ये ऐलान की तस्वीर है। बीजेपी ने नीतीश के लोगों के सामने ही पोस्टर लगा दिया। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता जब मिलर स्कूल ग्राउंड में आएंगे तो वो देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। सर आप लोग जेडीयू के कार्यक्रम में? बिल्कुल एकदम एकदम। लेकिन बीजेपी के लोग बाहर पोस्टर लगाए हुए हैं, देखिए पोस्टर लग रहा है। देखिए पोस्टर लगा रहे गलत कर रहे हैं, इससे पोस्टर बिल्कुल लगे नहीं लगाना चाहिए। जब इन लोगों का कार्यक्रम इसी मिलर हाई स्कूल में हुआ था पिछले दिन, तो 12 जनवरी को हम लोग कोई प्रतिवाद नहीं किए, अब ये लोग कर रहे हैं, लाखों लोग हमारा आ रहा है, इससे हमारा दल हमारा पार्टी हमारा लोग सब सहमत लोग हैं। ये लोग लड़ाई में विश्वास नहीं करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, ये लोग चावल अछत में विश्वास करते हैं, इन लोग को रोजी रोजगार से। लेकिन बगल में नीतीश और इधर मोदी, कैसे होगा क्या? अब ये लोग लगा रहे, इन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो लोग आएंगे वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में नीतीश मैं है और आदरणीय नीतीश कुमार जी की वजह से सारा लोग एक तरफ से लोग आ रहे, 5 लाख लोग आ रहा है। तो ये बीजेपी के पोस्टर नीतीश कुमार के लोगों के बगल में कलेजे पर ठोक दिया गया है, तो पोस्टर है ये संस्कार में नहीं है। हम लोग तो लोहिया और राम मनोहर लोहिया जननायक कर्पूरी को मानने वाले लोग हैं, ये लोग कॉपी करने वाले लोग हैं, चढ़ती किसी की खून की और पॉलिश किसी के बूट पर। ये लोग तो समझदारी का इनके पास कोई है नहीं, ये तो कॉपी करते हैं, फोटो स्टेट चलाते हैं और फोटो स्टेट तो हमारे नेता चलाते नहीं हैं, इसलिए ये कलेजा पर चढ़ा। इनकी सभ्यता संस्कृति हो सकती है, स्वामी विवेकानंद के समय में इन्होंने युवाओं का कार्यक्रम किया भारतीय जनता पार्टी का, हमारे बगल में कर्पूरी सभागार का पार्टी का कार्यालय है, हम लोग कभी देखा नहीं, ये इनका सभ्यता संस्कृति। देखिए नीतीश कुमार की तस्वीरें उड़ रही है हवा में झंडे पर और बगल में नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। कहीं लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंकों से, ये लोग खुद उड़ गया, हम लोगों का नेता उड़ने वाले लेकिन नहीं। आपके नेता तो दब गए, दो दो नहीं 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 दबने वाले हैं, नीतीश नीति और सिद्धांत के साथ चलने वाले लोग हैं, समता मूलक समाज बनाने वाले लोग, कभी दबते नहीं। तस्वीरें देखिए, देखिए कैसे पोस्टर लगा के दबा दिया गया, दबाने का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। आम जनमानस, ये बिहार है, बिहार जो है दशा और दिशा देश को दिया है, माननीय नेता ने हम लोगों को दशा दिशा देने का शंखनाद कर दिया। अभी तो झांकी है, कल तो पूरा सिनेमा बाकी है। तो कल इसी तरीके से तो नहीं होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जो नेता आएंगे वो जेडीयू के कर्पूरी जयंती को पूरी तरीके से कैप्चर कर ले, जैसे आज पोस्टर लगा? ऐसा थोड़े संभव है। हमारा पंचायत अध्यक्ष जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडरशिप को, पूरी बात को बलिशालीनता से रखने वाला लोग है हमारा पंचायत बूथ अध्यक्ष, ऐसी बात नहीं। तो ये बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उनका संख्या बल पूरा नहीं, मिरर हम लोग तो वहाँ शंखनाद कर दिया, गांधी मैदान दादागिरी का क्या मतलब? पोस्टर लगा के मिलर स्कूल पर क्या मैसेज है? लाज छिपा रहे तो इनका कार्यक्रम इनका आदमी पहुँचा नहीं, उस दिन भी नहीं पहुँचा, लाज छुपा रहे। मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम किए थे, आए थे, संख्या बल बोले थे और 20,000 पर समेट गए थे, इसलिए नहीं है इनके पास। तो नीतीश पगार नहीं है, बिना पूंजी पगार का सिर्फ चेहरा चमका। नीतीश के लोगों को पोस्टर से ढक के बीजेपी जीत का ही पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा पोस्टर से ढकाने वाले लोग हैं,
समाज जिन लोग तो पोस्टर जेडीयू से ज्यादा पोस्टर तो बीजेपी के नहीं नहीं कहीं नहीं, वो तो देखने का चीज है चारों तरफ दो तीन पोस्टर लगा के देखिए ना वहाँ नीचे लग भी रहा है गाड़ी भर भर के पोस्टर आया है आने से क्या होगा पूरा पोस्टर देखने का चीज है 507 पोस्टर है जो सामाजिक समीकरण है वही जीतेगा कैसा सामाजिक समीकरण यहाँ तो देखिए नीतीश कुमार बीजेपी सुनिए जेडीयू जो कह रहे हैं लव कुश और वो भगवान राम के ये सुपुत्र है लव कुश तो लौकुश बीजेपी कह रही है सम्राट चौधरी लौकुश याद है सम्राट चौधरी तो इसी में थे समझे नहीं लवकुश जो है ना वो भगवान राज को रोक सकता जब तक ये नहीं जाएगा भगवान राम को समर्पण किया था माँ अभी अभी जो है वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश है अभी दलितों के साथ है पिछड़ों के साथ है और वो समझे ना जब तक राम जी नीतीश नरेंद्र मोदी के साथ है और लवकुश मैंने आपके साथ है के नहीं लवकुश के साथ कदापि नहीं रह सकता इसी की बनिया और ब्राह्मण को राजनीति करना नहीं उन्हीं राजनीति का बलात्कार किया है राजनीति उनको करनी ही नहीं चाहिए उसको है पूंजीपति ब्राह्मणों का पुजारी हम अश्विनी चौबे कहे कुमार जिंदाबाद जनता दल जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद आपको पुजारी बनना है मैं सुल्तानगंज क्षेत्र से गैबीनाथ के मंदिर से आता हूँ मेरे नाना जो जागेश्वर मंडल कॉपरेटिव मिशन कर्पूरी ठाकुर उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया है अगर जागेश्वर मंडल नहीं रहते कर्पूरी ठाकुर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते क्योंकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे जागेश्वर मंडल जिसके चलते फॉरवर्डों ने सुल्तानगंज को हरिजन क्षेत्र घोषित किया है मैंने हम वहाँ के सांसद प्रतिनिधि बीरा सिंह सुल्तानगंज सुबोध राव को जिताए हैं अपने सामाजिक समीकरण में बीजेपी को हरा करके प्रभाषण तिवारी को मैंने हराया है तो लेकिन पोस्टर लगाकर बीजेपी तो पोस्टर से पोस्टर भारत गांवों का देश है गांवों में कोयरी कुनू जो खेती है मैक्सिमम उसके पास है चोट नोट बोर्ड सब चीज है अभी जाति गणना में आप देखते होंगे कि फॉरवर्डों में कास्ट और शिक्षा और चिकित्सा में लवकुश का बोलबाला है ऑल इंडिया में उत्तरी भारत में बैकवर्ड ऑल इंडिया में फॉरवर्ड गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु में लवकुश जो है फॉरवर्ड में उत्तरी भारत में ड्यू टू जमींदारी पड़ता जिसमें भूमियारों और बनियों ने इसका जमीन का अपहरण किया है और वो इनकी एक जाति को जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को घोषित धानु को वो लोग सताया और जहाँ जहाँ फॉरवर्डों का राज है जहाँ राजपूत हुआ वहीं धनुकों का वादी है और उन्हीं को अधिकतर टिकट दिया गया ललन सिंह इतना गुस्सा में कहा है बाबा गुस्सा इसीलिए कि हम सामाजिक नहीं हमारे नाना का जीता हुआ भागवत दादा ने जबरदस्ती हरा दिया है भागलपुर से और उसके चलते चुन यादव हैट्रिक बनाए हम लोग सामाजिक न्याय के आदमी हैं हम लोग सामाजिक भगवान राम हमारे पूर्वज हैं कैसे पूर्वज रहेंगे यहाँ कर्पूरी जी के साथ तो नरेंद्र मोदी खड़े हैं नरेंद्र मोदी से कुछ होने वाला नहीं है मोदी मोदी को मोदक है उसको मिठाई बेचना है वो बनिया मिठाई का है और ब्राह्मण पुजारी होता है और यहाँ इस देश में राम मंदिर क्यों टूटा मैं पूछना चाहता हूँ उसमें किसका शासन था ये आप निकालिए मैं बीपीएस तो आजादी के पहले टूटा था क्यों टूटा कौन था उस समय शासन में उसमें अगर हमारा पूर्वज बौद्ध धर्म नहीं अपनाता नालंदा विश्वविद्यालय लवकुश बाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध तक्षशिला जो खुद चंद्रगुप्त विश्व विजेता सिकंदर को हराने वाला कौन था हमारा लवकुश का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य था इसलिए इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया जिसके कारण ये देश का अगर बौद्ध धर्म नहीं हम लोग अपनाते तो आज हमारे चंतुरी रंगनी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की अशोक महान की आज अगर देश लेता है तो अशोक दोषी लग रहा है कि ब्राह्मण भूमि हाँ वही दोषी है उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए इनको नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को बनियों को इन दोनों को राजनीति नहीं करना चाहिए नहीं अगर जाति मानते उसका नहीं है करना उसका बिजनेस करना उसका पूजा करना पूजा पाठ करना मैंने भगवान राम के युवराज कौन है लवकुश और माँ सीता के साथ है वाल्मीकि के साथ है आरक्षण किसने दिया छत्रपति साहू जी महाराज ने अम्बेडकर को दिया था 1802 में महात्मा फुले की पत्नी सावित्री दलितों के लिए स्कूल खोला है मैंने जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हुआ छत्रपति शिवाजी बायकास्ट कुर्मी है उनका जो मुख्य सेना पति ब्राह्मण था जब उसको राज तिलक की बात ब्राह्मणों ने नहीं किया तो गंगा भट्ट एक था ब्राह्मण जो पदरस था उनको दीनार दे करके अपना राज सिंहासन करवाया नहीं हिंदू राष्ट्र उसी समय घोषित हो जाता और उन्होंने हटका कर मुसलमानों ब्राह्मणों को हटका करके अपना मुख्य सेनापति मुसलमानों को रखा शिवा छत्रपति शिवाजी ने और शिवाजी की माँ जादव है पिता कुर्मी है यह भी आप वो कह देते हैं मतलब ब्लड माई भाई अगर मिल जाएगा तो भाजपा खतान को कौन सा जरूरत नहीं अगर याद कीजिए 1984 चुनाव अटल आडवाणी जोशी सब हार गए थे दो ही
लवकुश का बेटा जीता था, जंगा रेड्डी आंध्र प्रदेश से, पी वी नरसिंहा राव को हराकर, एम पटेल गुजरात से, जब दो ही सीट बीजेपी चौरासी चौहान दोनों कुर्मी था तो कहाँ बीजेपी, बीजेपी तो जीरो पॉइंट हो जाएगा अगर लवकुश जिधर जाएगा। 11% हम लोग लवकुश हैं, अगर हम लोग जिधर जाएंगे तो हम लोग पुल का काम जोड़ लें, बैकवर्डाओं फॉरवर्डाओं का, हम लोग कमंडल मंडल मेरे पास साथ है, क्योंकि शिवाजी पटेल का बल मंडल मेरे पास है, लवकुश का बल मंडल मेरे पास है, कोई टिक नहीं सकता, सोया कुर्म शिव जैसा, जगा कुर्म शिवाजी जैसा हम लोगों का है, इसलिए हम लोग कोई पार नहीं खा सकता है। जिधर हम लोग जाएंगे उस उधर पल्ला झुकेगा, आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं चाहे महागठबंधन से उधर पल्ला झुकता है, और जब ये बीजेपी तरफ जाते हैं उधर पल्ला झुकता है, और हम लोग सिर्फ उत्तरी भारत में बैकवर्ड है, ऑल इंडिया में कोरी कुर्मी फॉरवर्ड है। मंडल कमीशन, क्या नाम है बाबा? मेरा राम, राम रेखा प्रसाद सिंह, सुतांगन नगर। कौन जाति से आते हैं? हम लोग कुर्मी समाज से आते हैं, हमारा नाना जागेश्वर मंडल कॉपरेटिव मिनिस्टर रह चुके हैं इसमें नहीं, और मैं नीतीश को घूम घूम करके कहा, जब मैं कुर्मी चेतना जौ रौस में जब हम समूचा बिहार घूमते थे, हमारे बगल के ब्राह्मण कहा कहते थे कि अति हाथ से ये जंगा से बढ़ करके फलना चीज़, तो हमने नहीं कहा, वो संसदीय बात है, जब बन गया तो नेता के नेताजी प्रणाम, नीतीश कुमार बन गए, और नीतीश कुमार बनते रहेंगे, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, चाचा भतीजा आगे बढ़ कर करेगा, कोई माँ का लाल, और अखिलेश चौधरी यादव बनेंगे यूपी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम। इसको पोस्टर लग गया बीजेपी का, जेडीयू का कार्य कुछ नहीं है, बीजेपी वाले पोस्टर लगा रहे हैं, नीतीश कुमार का पोस्टर ढक जा रहा है, जबरदस्ती लगा रहे हैं ना, जबरदस्ती लगा रहे हैं, यहाँ कार्यक्रम नीतीश जी का है। सम्राट चौधरी तो चैलेंज किए हैं, अब वो ऐसे ही करते रहेंगे, उनका करने का आदत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता ये तो कल पता चलेगा, फिलहाल नीतीश कुमार के सामने ही बीजेपी ने पोस्टर और झंडे गाड़ दिए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।